हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जैनिज़्म की। जैनिज़्म जो है भारत का छठा सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी की तादाद जो पॉपुलेशन है वो 4.5 मिलियन है। ये कम्युनिटी तकरीबन हिंदुस्तान का पॉपुलेशन में 0.35% अपना भागीदारी निभाता है, और ये कम्युनिटी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राजस्थान में है और गुजरात में है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जैनिज़्म के बारे में। बहुत लोगों का मानना ये है कि जैनिज़्म का शुरुआत महावीर, है ना, भगवान महावीर के द्वारा किया गया था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जैनिज़्म का शुरुआत बहुत पहले हो चुका था, जो ऋषभनाथ के द्वारा किया गया था। ऋषभनाथ जैनिज़्म का पहला तीर्थंकर है। तीर्थंकर का मतलब होता है मैसेंजर, जिस तरह से आप इस्लाम में देखें कई मैसेंजर हैं, जिस तरह से आप सिख में देखें कई गुरुज हैं, तो इसी तरह से जैनिज़्म में जो है तीर्थंकर होता है, और पहला तीर्थंकर का नाम है ऋषभनाथ। इस तरह से 24 तीर्थंकर है जैनिज़्म में, 24 तीर्थंकर है, और 24 तीर्थंकर में 23वां का नाम है पार्श्वनाथ, और 24वां का नाम है महावीर। जो भगवान महावीर थे वो 24वां तीर्थंकर थे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं महावीर, भगवान महावीर की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ। कुंडल ग्राम वैशाली में है, अभी जो है बिहार का वैशाली सब डिवीज़न है, तो वैसा डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ कुंडल ग्राम नाम का एक जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ 540 BC में। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ थे और मदर माता का नाम त्रिशाला। त्रिशाला जो है वो चेतक की बहन थी। चेतक लिच्छवी का चीफ था, लिच्छवी का राजा था, उनकी बहन थी त्रिशाला। तो त्रिशाला और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर का जन्म 540 में हुआ वर्धमान के नाम से, है ना, वर्धमान के नाम से हुआ, वर्धमान के नाम से हुआ। ठीक है, उनके जो वाइफ वाइफ थी, पत्नी, उनका नाम यशोदा था, और करीब 510 BC में शादी हुआ, और उनके बाद एक उनकी बेटी हुई जिनका नाम था अंजा। उनका बेटी का नाम था ANJJA, अंजा। ठीक है, उनके बाद महात्मा बुद्ध मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने घर से निकल लेते हैं, और अपने घर से मोक्ष की प्राप्ति के लिए 510 BC के बाद निकल लेते हैं, और वो जाके झारखंड का एक जगह है झिम झिम्बिका ग्रामा झिम भी का ग्रामा झिम्बिका ग्रामा, और वहाँ एक नदी बहती है राजूपुलिका। उस राजूपुलिका नदी के किनारे बैठकर वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, इसका और अपना एक परफेक्ट नॉलेज रिसीव करते हैं। यह परफेक्ट नॉलेज को हम कहते हैं कैवल्या। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको महावीरा के बारे में बताया, उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो कब अपना परफेक्ट नॉलेज जो रिसीव किए थे, प्राप्त किए थे, और जब वो कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं तब उनका नाम वर्धमान से महावीरा हो जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं जैनिज़्म की फ़िलॉसफी के बारे में। जैनिज़्म वर्णा सिस्टम पर बिलीव करता है, वर्णा सिस्टम को डिनाई नहीं करता है, और जैनिज़्म का मानना ये है कि आपके कर्मों के अनुसार ही आपका जन्म
वर्ण के या आपका जब अच्छा कर्म होगा तो आपका जन्म जो है ऊपर के वर्ण में होगा, जो अगला जन्म होगा नेक्स्ट बर्थ जो होगा, और आप अगर अपने पहले जन्म में कुकर्म किए होंगे तो आपका जन्म मतलब लोअर वर्ण में होगा। ये उनका मानना है, उनकी फिलॉसफी है ना, और है ना थ्योरी ऑफ कर्म में बिलीव करते हैं, और गॉड को जो भगवान भगवान का एग्जिस्टेंस को मानते हैं कि हाँ भगवान होता है, लेकिन वो भगवान को महावीर के बाद मानते हैं। ठीक है, भगवान महावीर के बाद जो है गॉड का एग्जिस्टेंस को मानते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं ठीक है कि जैनिज्म में सेक्ट कितने हैं और क्या क्या डॉक्ट्राइन है। आइए बात करते हैं हम जैनिज़्म के सेक्ट और स्कूल के बारे में। जैनिज़्म को पेट्रोनाइज देने वाले कई सारे रूलर थे, जिसमें एक रूलर का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी के एक रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, और भद्रबहु उनके कंटेम्पररी थे। होता ऐसा है कि मगध में फेमाइन आ जाता है, अकाल आ जाता है। अकाल आने के कारण भद्रबहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले जाते हैं। जब कर्नाटक जाते हैं तो कर्नाटक में काफ़ी दिनों रहते हैं। वहाँ पे काफ़ी दिन रहने के बाद जब मगध में अकाल ख़त्म होता है, तो जब मगध में अकाल ख़त्म होता है तो भद्रबहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य मगध आते हैं। जब मगध आते हैं तो वो यह देखते हैं कि एक ग्रुप ऐसा है जो वाइट कपड़ा पहना हुआ है, बस वाइट वस्त्र सफ़ेद वस्त्र धारण किया हुआ है, एक ऐसा ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आइडिया में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड पैदा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है कि महावीर जो भगवान महावीर का जो जैनिज़्म धर्म था उसमें लोग न्यूड रहते थे, कंप्लीट न्यूड रहते थे। ठीक है, तो जब यहाँ से लोग जाते हैं तो वो न्यूडिटी में जाते हैं, और जब वहाँ से आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग पहले न्यूड था अब वो लोग वाइट कपड़ा पहनने लगा है। तो जो लोग वाइट कपड़ा पहनता था उसे हम कहते थे उसे कहते हैं श्वेतांबरा, है ना। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, मतलब जो सेक्ट सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनता है उसे हम कहते हैं श्वेतांबरा। और इसका जो टीचर था, टीचर फिलोसोफर था, वो था स्थूलभद्र, है ना। और जो न्यूड रहता है, बिल्कुल न्यूड रहता है, उसे कहते हैं दिगंबरा, है ना। दिगंबरा का मतलब होता है, दिग का मतलब होता है स्काई, मतलब आकाश। ये सेक्ट के लोग समझते हैं कि आकाश ही उनका वस्त्र है। ठीक है, और इनके जो फिलोसोफर थे वो है भद्रबहु। ठीक है, और बात करते हैं हम ये भद्रबहु के बारे में। चलिए, ये दो सेक्ट के बारे में बता दिया मैंने, इसके दो सेक्ट है, एक दिगंबरा सेक्ट है और एक श्वेतांबरा सेक्ट है। ठीक है, उनके बाद हम बात करेंगे इनके काउंसिल के, इसे मिटा देता हूँ। इसको मिटा देता हूँ उसके बाद। जैनिज्म में दो काउंसिल हुआ, ठीक है, जैनिज़्म में दो काउंसिल हुआ, और एक काउंसिल होता है पाटलिपुत्र में। ठीक है, एक काउंसिल होता है पाटलिपुत्र में, और दूसरा काउंसिल होता है यह है बल्लभी में। बल्लभी में है ना, पाटलिपुत्र अभी का पटना, बल्लभी गुजरात में है। ठीक है, और एक चीज़
जो यहाँ पे थर्ड बीसी में जो फर्स्ट काउंसिल होता है, उस काउंसिल में 12 अंगाज को कंपाइल किया जाता है। ये 12 अंगाज है, उसे कंपाइल किया जाता है फर्स्ट काउंसिल में, ठीक है। उनके बाद बात करते हैं हम त्रिरत्ना के बारे में। इनके थ्री ज्वेल्स हैं, थ्री ज्वेल्स जो जैनिज्म में थ्री ज्वेल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इनके हैं, इसे हम कहते हैं त्रिरत्न। त्रि मतलब होता है तीन और रत्न मतलब ज्वेल्स, है ना। तीन रत्न है, पहला हम देखते हैं राइट फेथ, है ना, राइट फेथ, राइट। दूसरा है, ये पहला हो गया आपका राइट फेथ, दूसरा हो गया आपका राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, ठीक है। और तीसरा है आपका राइट एक्शन, राइट एक्शन, ठीक है। ये तीसरा है आपका राइट एक्शन। देखिए सी यू ई टी के लिए ये इतना काफ़ी है, इसे आपको लगभग इसी में से ज़्यादातर पूछेगा। ये तीन हो गया आपको। और जैनिज्म की ये डॉक्ट्राइन है, जो पांच डॉक्ट्राइन है, ये डॉक्ट्राइन शुरुआत दिनों में जो तीर्थंकर थे, आपका ऋषभ नाथ से लेके पार्श्वनाथ तक, यहाँ तक मतलब 23 तीर्थंकर तक चार ही डॉक्ट्राइन था, ठीक है। और पांचवा डॉक्ट्राइन भगवान महावीर के द्वारा जोड़ा गया। तो हम बात करते हैं फाइव डॉक्ट्राइन क्या क्या है, ठीक है। ये फाइव डॉक्ट्राइन है, ठीक है। ये ले लेता हूँ, दूसरे मार्कर ले लेता हूँ, दिख नहीं रहा। फाइव डॉक्ट्राइन में आपका पहला है अहिंसा, कि हिंसा नहीं करेंगे, किसी भी जीव जंतु को मारेंगे नहीं, है ना। उसका क्या है, पहला है हिंसा, अहिंसा, अहिंसा है, हिंसा नहीं है, अहिंसा, ठीक है, कि नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस है पहला, अहिंसा है ना। दूसरा है सत्य, ट्रूथ, सत्य है ना, ट्रूथ, सत्य बोलेंगे, ठीक है। और आपका तीसरा है अस्त्य, अस्त्य मतलब डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करना है, ठीक है। और चौथा है आपका अपग्रीहा, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, संपत्ति को एकदम जोर जोर के, जोर जोर के, एक एक रुपये जोर जोर के रखना नहीं है, ठीक है, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। ये चार पहले से था, ये चार जो है ऋषभनाथ ने इनको मत इनका प्रतिपादन किया, और ये 23वां पार्श्वनाथ तक यही चलता रहा, यही चार डॉक्ट्राइन चलता रहा। जब महावीर आते हैं, जब भगवान महावीर आते हैं और जैनिज्म का जो है सबको मतलब जैनिज्म के बारे में सबको बताते हैं, ठीक है, तो ये फोर्थ मैसेंजर ऑफ जो जैनिज्म है ना, जो जैनिज्म और के बारे में बताते हैं आपको, वो आपका पांचवा आ जाता है। ये महावीर खुद से ऐड करते हैं, ठीक है। ये है पांचवा आपका ब्रह्माचार्य, ठीक है, ब्रह्माचार्य, है ना, ब्रह्माचार्य, 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 ठीक है। पांचवा महावीर के द्वारा ऐड किया गया है, यह है ब्रह्माचार्य। ब्रह्माचार्य आप कॉमन लैंग वर्ड है, आप सुनते भी रहते होंगे कि ये दुनिया के सारे मोह माया को छोड़कर जाकर आपको जंगल में या किसी एकांत में बैठकर जो है कि मोक्ष की प्राप्ति करना है, ठीक है। तो ये आपका फाइव डॉक्ट्राइन हो गया, और फाइव डॉक्ट्राइन के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इनके साथ साथ मैं और आपको बता देता हूँ कि जो भगवान महावीर थे, भगवान महावीर जो अपना नॉलेज लोगों तक ट्रांसफ़र किए, तो उनका मेन पर्पस ये था कि जो कॉमन लोग हैं, कॉमन लोगों तक उनका बात
पहुंचे जाए, कॉमन लोगों तक उनका बात पहुंचे। तो वो कॉमन उस ज़माने में जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत, ठीक है। और जो एलिट क्लास के जो एलिट क्लास था उसका जो लैंग्वेज था वो था संस्कृत। तो महावीर जो है अपना मेन लैंग्वेज रखे प्राकृत, है ना, प्राकृत। और जो एलिट क्लास का लैंग्वेज था वो है संस्कृत, ठीक है। तो आज हम यहीं से इसकी समाप्ति करते हैं, और इन्हें एक दो बार देखे आप लोग, समझे, ठीक है। थैंक यू।